जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज। गुरुग्राम में गायों की दुर्दशा के लिए जिम्मेवार कौन? प्रशासन, खुद गोपालक, या फिर इधर उधर कूड़ा करकट डालने वाले हम सभी? आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, गुरुग्राम में स्थित सबसे पुरानी गौशाला जो कि 117 सालों से गुरुग्राम के अंदर है, यहाँ पर 1800 से अधिक गोवंश है, जिसमें 40% नंदी है। आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर गौशाला में गाय को किस तरह से रखा जाता है, किस तरह से देखरेख की जाती है, इस बारे में एक विस्तृत जानकारी हम आपको दे रहे हैं। लेकिन एक हमारा निवेदन आप सभी से भी है कि कृपया खाने पीने की चीज़ें पन्नियों में बंद करके आप रोड के सहारे ना फेंके, जिससे कि गौ माता उस पन्नी को खा करके बीमार पड़े, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि गौ माता इस तरह से कूड़ा करकट खाती हुई फिरे चारों तरफ से। आप देख सकते हैं यह गौशाला किस तरह से यहाँ पर गायों को रखा जाता है, किस तरह से उनका ख्याल रखा जाता है। यहाँ पर गौशाला के प्रधान सहरावत जी से भी हमने बात की, उन्होंने भी हमें इस बारे में जानकारी दी है, और साथ ही उनकी भी अपील है कि गौशाला में गाय को दे सकते हैं यदि आप गाय नहीं पालना चाहते हैं तो। और आपकी जानकारी के लिए हम आपको यह खबर पूरी दिखा रहे हैं, साथ ही हम सहरावत जी से बातचीत करके वह भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए यह खास खबर हमारे साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और इस खबर को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वह भी इस बारे में सचेत हो सकें। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। सर आपका शुभ नाम जानना चाहूंगा, परिचय आपका जानना चाहूंगा, जानना चाहूंगा जो गौशाला है गुरुग्राम की, यह है कितनी पुरानी है, कब से स्थापित हुई, आज कितना गोवंश इसके अंदर है? सर मेरा नाम ओम प्रकाश सरावत है जी, सेक्रेटरी गौशाला हूँ श्री गुरुग्राम गौशाला सभा का, और ये 1906 में स्थापित की गई थी, 117 साल पुरानी गौशाला। अच्छा, इसमें 1800 गोवंश है जिनकी सेवा की जाती है। इस गोवंश में अंधी, लंगड़ी और जो अपाइज गाय हैं, कुछ गाय दुधारू भी होती हैं, और जो बेसहारा गाय हैं जिनको कोई नहीं रखता, बीमार हो जाती हैं, जैसे थन खराब हो गई, अंधी गाय हैं जी, तो उनको यहाँ छोड़ देते हैं, तो उनकी सेवा करते हैं दानियों के द्वारा। सर कितना गोवंश आपके यहाँ इस समय उपलब्ध है? मैंने बताया ना 1800 करीब, 1800 के करीब होगा, जिसमें से करीबन 100 गाय अंधी भी है। सर नंदी भी है क्या इसके साथ में गाय? हाँ नंदी, 40% के करीब नंदी है जी, 60% के करीब गाय। सर देखने में आ रहा है कि सरकार के द्वारा जो अनुदान दिया जाता है वो नाकाफी है गौशाला में गोवंश के लिए, आपके क्या विचार है इस बारे? हाँ ये तो जितना अधिक मिल सकता है उतना ही सुविधा गौशाला में ज्यादा होगी, गोवंश के लिए जितना भी अनुदान होगा ज्यादा होगा, तो वो उसको रख रखाव में, उसके चारे में वो ज्यादा होगा, तो वो उतना ही अच्छा होगा जी। सर आपसे जानना चाहूंगा, आज सड़कों पर गोवंश घूम रहा है, गौशाला गुरुग्राम में काफी है, उसके बावजूद भी क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? इसमें अधिकतर तो वो गोवंश है जो दूध देता है जी, लेकिन वो क्या करते हैं, गाय एक बड़ी अकलमंद है, जीव है, गो माता है, उसमें बड़ा ज्ञान है, उसे सुबह छोड़ दो वो घूम लेगी दोपहर 5 बजे तक, 5 बजे उनको एक ऐसी आदत सी पड़ जाती है, वो वापस अपने घर चली जाती है, वहाँ वे दूध निकाल लेते हैं, दूध निकाल के सुबह निकाल के फिर छोड़ देते हैं। उसमें अधिकतर तो ऐसी गाय पाई जाती हैं जो किसी के द्वारा पाली जाती है। सर गुरुग्राम गौशाला जो आपकी है, जिसमें आपने बताया 1800 गोवंश के करीब है, हाँ। यहाँ पर जो गाय होती है वो कहाँ से आती है, कैसे उन्हें लाया जाता है? ये आसपास से गाय आती हैं, जिनकी गाय बीमार हो जाती है, घर पे दूध नहीं देने लायक रहती, थन खराब हो जाते हैं, या कोई अन्य ऐसी बीमारी हो जाती है भाई, वो पालने पोसने लायक नहीं रहती, या आंधी है, अपाइज है, या कभी कभी किसी के घर अपना जगह नहीं बचती रखने के लिए मकान बनाने में, या वो शहरी परिवेश है यहाँ पे, तो वो अपनी गाय को यहाँ आश्रय छोड़ जाते हैं, आश्रय हम देते हैं गौशाला में। सर गाय को गाय माता का दर्जा दिया गया है भगवान में, सबसे जो कहा गया है कि गाय का जो मुख है वो स्वयं विष्णु जी हैं,
ऐसे में जनता के नाम क्या संदेश आप देना चाहेंगे कि गाय का निरादर ना करे, गाय आज कूड़ा खा रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, गोवंश की तो जितनी आप सेवा करेंगे आपको उतना ही प्राप्त होगा। प्राप्ति से मतलब मेरा धन या उनसे नहीं है, शांति। अगर किसी को आत्मा की शांति चाहिए, परमात्मा के नज़दीक जाना चाहिए, कोई अपनी अपनी जो है उन्नति चाहता है भगवान की ओर, तो इससे बढ़िया साधन कोई नहीं है। आप गो सेवा करिए, सीधा आपका भगवान से संबंध होगा। सर, आपकी जो गुरुग्राम गौशाला है, यहाँ पर गोवंश को आप रखते हैं, उनको चारा खिलाते हैं, लगभग हर महीने कितना खर्चा आ जाता है आपका? लगभग तो ये तो भूसे पे ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर भूसा 5 रुपये किलो भी होता है, कई बार 12 रुपये किलो भी होता है, तो ये तो डिफरेंट डिपर करता रहता है। लेकिन एक गाय पे या गोवंश पे साल में करीबन 30,000 रुपये तो खर्च हो जाता है साल का। तो एक गाय वंश पे 2,500 रुपये तो एक महीने में हो जाता है। सरकार की तरफ से कितना अनुदान दिया जाता है गोवंश? सरकार दो बार अनुदान देती है जी। हाँ, कितना अमाउंट दिया जाता है सर? अमाउंट तो वेरिएट करता रहता है, उसका तो कोई वो नहीं है, जितना ऊपर से सैंक्शन होता है। 400 करोड़ का बजट है हरियाणा सरकार में गोवंश के, गोवंश को अनुदान देने के लिए। हाँ, गो सेवा आयोग भी बनाया गया, उसके बावजूद भी गाय जो है बाहर घूम रही है। तो ऐसे में क्या चाहते हैं आप सरकार से, क्या मांगे आप? यही है, गाय सड़क पे ना रहे, क्योंकि कैजुअलिटी हो जाती है गाय की। और जो गोपालक अपने घरों में गाय पालते हैं, उनसे यही अनुरोध है कम से कम वे उनको बाहर ना छोड़े। बाकी शेष बच जाएंगी तो उनको तो गौशालाएं भी ले सकती हैं, पर उसमें पहचान नहीं होती कि ये गोधन गोवंश किसी का है या बिल्कुल आवारा है। कई बार उसको कोई ले भी छोड़ के जाता है तो उसमें पुलिस केस होने का भय रहता है, क्योंकि कोई कहेगा ये गाय तो मेरी है। वो ये थोड़ी मानेगा मैंने सड़क पे छोड़ी, वो तो ये कहेगा मेरी गाय तो गलती से आ गई। ऐसे लोगों के लिए कोई कार्रवाई नहीं बनती है सर आपकी तरफ से या सरकार की तरफ से? नहीं, ये तो नैतिक जिम्मेवारी है, जो जिसका हम दूध पीते हैं उसकी सेवा करनी चाहिए, उसको खुद ही रखना चाहिए। हम जैसे अपने बच्चों को अपने पालते हैं, बड़े बूढ़ों की सेवा करते हैं, तो वो धन भी ऐसा ही है। ये तो हमारे को जीवन दायिनी है, हमारे हर तरह से हमारे सुख को सरल बनाता है, जीवन को सरल बनाता है। जैसे पहले गोबर का यूज खेतों में किया जाता था, पर शहरी में ऐसा नहीं होता है, तो क्या गोबर से कुछ वस्तुएं निर्मित की जाती हैं? हाँ, वस्तुएं निर्मित की जा सकती हैं, लेकिन हम गौशालाओं से तो वो काम हमारा पालन पोषण में ही ज़्यादा समय निकलता है, क्योंकि हम वॉलेंटरी सर्विस करते हैं मोस्टली। जब हम रिटायर हो जाते हैं या हमारी एज ऐसी हो जाती है, हम कारोबार नहीं करते, तभी हम में सेवा में लगते हैं। तो उसमें हमें उद्योग स्थापित करने में इतना नहीं लगता, नहीं तो जैसे बायोगैस है, गमले हैं, अगरबत्तियां हैं, ईंट बनाई जा सकती है गोबर से, और गोबर का जो खाद है वो तो अति उत्तम, इस खाद के बराबर कोई खाद नहीं। जीव अमृत बना सकते हैं, लेकिन उसके उत्पादन के लिए एक पूरी टीम चाहिए, पूरी प्लानिंग चाहिए। वो फिर गौशालाएँ कुछ कर लेती हैं, बहुत सी तो इससे, क्योंकि हमारे पास कोई मैन पावर तो होती नहीं। हम ज़्यादा मैन पावर लगाते हैं तो हमारा एक्सचेकर बढ़ जाता है। जैसे हमारी गौशाला है, अच्छी गौशाला है, लोगों का दान अच्छा आ जाता है, आसपास शहर के होने के नाते हमारा गुजारा भी ठीक हो जाता है। लेकिन वो भी तभी है जब हम कोई ना अकाउंटेंट रखते हैं, ना कोई क्लर्क रखते हैं, ना कोई मैनेजर है, बस गोपालक हैं और हम जो मेंबर हैं, जिस मेंबरों में से जो प्रधान सेक्रेटरी चुनते हैं, तो वो सारा काम हम ही करते हैं। तो इसलिए वो हमारा पैसा कम खर्च होता है। अगर हम उसमें बढ़ाते हैं तो हमारा एक्सचेकर बढ़ता है, तो वो हमारा फिर अगर घाटा एक बार जाने लग जाए गौशाला को, तो उसकी पूर्ति फिर नहीं होती कई वर्ष तक, वो ज़्यादा बढ़ जाता है। सर, मेरा आखिरी सवाल रहेगा आपसे, जैसे कि आपने बताया कि जो अनुदान है वो दान के रूप में आपको प्राप्त होता है, तो लगभग कितना अनुदान आपको प्राप्त हो जाता है, और क्या इससे गौशाला के लिए कुछ और भी तरीके से धन का उपयोग किया जाता है, धन लिया जाता है? नहीं, दान का तो ये है कि हमने देखा है कि गौ माता का जितना खर्चा होता है साल का,
वो लगभग हमारा आ जाता है। और ये गौ माता की कृपा है कि इसका खर्चा बढ़ता है तो किसी न किसी साधन से दानियों के द्वारा खर्चा भी अपने आप ही आ जाता है, हम उसको ज़्यादा बड़ा घटा नहीं सकते। ये तो बड़ा कुछ इसका अपना अपना ही प्रताप है, ये हम नहीं चलाते, गौ माता गौशाला को स्वयं चलाती है। हम तो हम पे तो उसकी एक विशेष कृपा है जो हमें वो अपना कार्य करने के लिए एक मौका दे रही है। यदि कोई अपना गोवंश आपकी गौशाला में देना चाहे बीमार होने पर या फिर दूध ना देने की स्थिति में, तो कैसे आपसे संपर्क किया जाता है, क्या किया जाता है उसके बाद? हाँ, वो अपना आधार कार्ड लाता है, ये अपना रेजिडेंस प्रूफ देता है, भी ये मेरा आधार कार्ड है, ये मैं कारण बताता है भी मैं इस गाय को अभी इसलिए अपने पास नहीं रखना चाहता, तो वो दान स्वरूप हमें जो देता है 500, 1000, 1100 रुपये अपनी पर्ची कटवाता है, अपनी गाय को यहाँ छोड़ जाता है, हम उसको रख लेते हैं। जी, क्या गौशाला की आमदनी का कोई और जरिया इसके बारे में आप बताएं? गौशाला की आमदन का जरिया तो गोबर गैस प्लांट और ये गोबर का जो इस्तेमाल जब तक नहीं करेंगे हम। गुड़गांव में क्या कुछ ऐसी गौशाला है सर जिन पे इस तरह के जरिए के अमाउंट जो है वो लेने का कुछ है? नहीं, मुझे तो इसके बारे में ऐसी नॉलेज नहीं है। हाँ, गौशाला में हम दूध देते हैं, शुद्ध दूध मिलता है, इसमें कोई भी किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती, बस शुद्धता ही इसका मापदंड है। गौशाला से शुद्ध दूध कहीं नहीं मिलता। माना तो यही जाता है देसी गाय का दूध अच्छा होता है, लेकिन गाय तो गाय है, अगर कोई गाय विदेशी है और वो 50 साल से यहाँ रह रही है, उसको 3री-4री जनरेशन में आ गई तो वो इक्वल टू देसी ही हो जाती है। पर हमारे दिमाग में तो रहता है भी देखो एक ब्रीड का तो अंतर है ही, देसी गाय है, जर्सी गाय है, भाई राजस्थानी है, गिर है, हर गाय का अपना गुण है, लेकिन दूध तो गाय का दूध ही है, वो तो कैसा ही मिल जाए, गाय का दूध तो अमृत समान है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए और इतनी उत्तम जानकारी देने। नहीं, हम आप हमारी गाय की सेहत देख के लगा सकते हो, गौशाला का मापदंड मापने का ये है कि गौशालाओं की गऊओं को उसकी सेहत देखी जाए, बीमार वाड़े में देखिए, अंधे वाड़े में देखिए, कईयों में आरोप होता है अगर दूध वाली गायों को तो डाला जाता है और वे जो गाय दूध में नहीं होती, शुष्क गाय होती है, उनको नहीं डाला जाता या सांड को नहीं डाला जाता। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, हमारी गौशाला का यही मोटो है, हम सबको समान डालते, चाहे दूध दे चाहे दूध ना दे, चाहे सांड हो चाहे गोमा, चाहे बूढ़ी हो चाहे अंधी हो, दुधारू हो बेदुधारू, मतलब सबको समान रूप से भोजन दिया जाता है, किसी के भोजन में कोई अंतर नहीं, क्योंकि हमें भगवान को जवाब देना है, गो माता ने हम पे कृपा कर रखी है जो हमें सेवा का मौका दे रखा है, तो हम इसमें कोई भेदभाव नहीं करते। आप इसको कभी भी देख लीजिए, जब मर्जी आए जब चेक करिए, कोई उसके खाने में उसमें कोई अंतर नहीं होगा। अब जैसे अंधेवाड़े में जाइए, अब लगेगा भाई अंधी गाय तो दूध नहीं देती, बंद ही रहती हैं सब हमेशा, क्योंकि हम उनको खोल नहीं सकते, क्योंकि उनको दिखाई नहीं देता, तो खोलने के बाद उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन उनकी सेहत देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि हाँ गाय की सेवा हो। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे गौशाला के बारे में? हाँ, गौशाला के 1985 से मैं दूध ले रहा हूँ उसका। अच्छा, और यहाँ गाय जितनी सुरक्षित रखी जा सकती है मैंने कहीं देखी नहीं, मैंने इनके MCG का वो भी यहाँ 23 सेक्टर में देखे, मेरे नज़दीक पड़ता कर मैं 10 किलोमीटर आता हूँ दूध लेने के लिए, और जहाँ दूध और स्वच्छता गायों की है मैंने कहीं नहीं देखी, ये कहना चाह रहा हूँ। 85 से दूध ले रहा हूँ। तो दूध की क्वालिटी में भी क्या? हाँ, दूध की क्वालिटी बढ़िया है, मतलब ऐसा दूध लोग बाग कहते हैं अमूल का दूध गाय का आ गया बहुत अच्छा, हमने वो भी लेके देख रखा है, सब बनावटी कहानी है, क्या मिलते हैं क्या डेयरी के मिलाते हैं, यहाँ मिलावट नहीं होती, सबसे है गाय का दूध घटता है, एक सुल्तानपुर उनकी यहाँ है एक यहाँ है करके हम लोगों को दे देते हैं, ये निस्वार्थ सेवक है, ये प्रिंसिपल रिटायर्ड है वहाँ से दिल्ली से, इनको जरूरत नहीं है,
हमें जरूरत भी नहीं, हम भी बैठ जाते हैं, कोई काम हमें ड्यूटी लगाते हैं वो भी कर देते हैं। सफाई का है, मैं पंखे लगे हुए हैं, गाय कोई बीमार होती है इमीडिएटली डॉक्टर बुलाकर उसका इलाज कराया जाता है, कोई मतलब कमी नहीं है किसी चीज़ की। ये कहना चाह रहा हूँ, मैं एक्शन रिटायर्ड हूँ पीडब्ल्यू गुड़गांव से, तो मैं गौशाला को मेरी बदली हो जाती थी, मैंने दूध नहीं छोड़ा। अब मैं 10 किलोमीटर दूर चला गया फिर भी दूध यहाँ से ले रहा हूँ, मुझे कोई वो थोड़ी है, कोई इंसेंटिव नहीं इस बात का, जो पैसे और देते मैं पैसे देता हूँ। तो वैसे मैं आपको उन लोगों को जो गाय को सड़क पर खुला छोड़ देते हैं दूध निकालने के बाद, यहाँ की गाय नहीं छोड़ी जाती, आप देखो इनके आदमी इतने रखे हुए हैं मजाल निकल जाए, यहाँ से नहीं निकल सकती गाय, गाय के निकालने वाले तो दूसरे हैं लोग बाग, कहते हैं दूध तो निकाल लिया अब छोड़ो इसको जाके, अब पन्नी खाते हैं बेचारे, क्या करते हैं, यहाँ की गाय गौशाला की आपको नहीं मिलेगी। भारतीय संस्कृति में जैसे गौ पालन की परंपरा हमेशा ही रही है, पर यहाँ शहरी वातावरण में गौ नहीं पाई जाती है घर के अंदर, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ मतलब है कि ये दूसरी गाय नहीं लेते, ये अपनी गाय रखते हैं, मतलब कोई ऐसे वो कोई दान में दे दे वो दे, उसको भी देख के लेते हैं, बीमारी तो नहीं है कोई, इसको तब एक गाय रखते हैं, वैसे गाय नहीं। अब ये जो बच्चियां हैं एक गाय बनेंगी 2.5-3 साल बाद, इनकी सेवा कितनी हो रही है, और होगा ऐसा कोई यहाँ चक्कर नहीं है जिस चक्कर को आप देखने आए हैं, मैं तो ये कहना चाहूँगा। Thank you.